आप सभी ग्रामवासियों से आग्रह है कि अपने अपने घर चले जाएं। सभी लोग छत पर रहेंगे, गोदाम रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। कोई भी हाथियों से छेड़छाड़ नहीं करेगा, हाथी के साथ फोटो नहीं खिंचाने कोशिश करेगा। यह हाथी काफी आक्रामक है, इसलिए सभी ग्रामवासियों से आग्रह है कि आप लोग सुरक्षित स्थान पर चले जाए। यहाँ तमाशा नहीं है जो वहां पर भीड़ लगा के आप लोग खड़े हैं, इससे काफी खतरा है, काफी खतरा हो सकता है। राज्य में जंगली हाथियों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। आए दिन जंगली हाथियों के शिकार आम आदमी हो रहे हैं। ताजा मामला हजारीबाग जिले के अलग अलग जगहों की है, जहां जंगली हाथियों ने चार लोगों को कुचल डाला। पहली घटना खिरगांव का है, जहां जंगली हाथियों ने दो लोगों को कुचला, जिससे दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं दो अन्य जगहों पर दो लोगों को कुचल डाला, जहां दोनों की हालत गंभीर बताई जा रही है। घायलों के इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी स्थिति नाजुक बनी हुई है। मिली जानकारी के अनुसार खिरगांव निवासी दामोदर साहब और बाबू साहब को हाथियों ने कुचल दिया, जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं शहर के दूसरे मोहल्ले कुम्हार टोली और बड़का गांव में भी दो लोगों को कुचल दिया, जहाँ दोनों लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। बीच में है ना, देखा देखे, लेकिन उसके बाद तो मुख्य उधर से देखो वापसी आ रहा है, तो वापसी दिख नहीं रहा है। देखो हम देख लेते हैं, बुजुर्ग बच्चे सब आ गया, तमाशा यहाँ लगा हुआ है। आप लोग जो मजाक लग रहा है उसका खत्म करिएगा। आप लोग अगर नहीं सुधरिएगा, अगर हम लोग अनाउंसमेंट को नहीं मानिएगा, तो फिर खत्म करिएगा। आप सभी ग्रामवासियों से आग्रह है कि अपने अपने घर चले जाएं। सभी लोग छत पर रहेंगे, गोदाम रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। कोई भी हाथियों से छेड़छाड़ नहीं करेगा, हाथी के साथ फोटो नहीं खिंचाने कोशिश करेगा। यह हाथी काफी आक्रामक है, इसलिए सभी ग्रामवासियों से आग्रह है कि आप लोग सुरक्षित स्थान पर चले जाए। यहाँ तमाशा नहीं है जो वहां पर भीड़ लगा के आप लोग खड़े हैं, इससे काफी खतरा है, काफी खतरा हो सकता है। अगर आप लोग बाद में बात नहीं मानिए, सब पर मुकदमा दायर किया जाएगा, जिसका